एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सभी लोग एक साथ एंशियंट सिटी के बाहर खड़े होते हैं। वहीं पर खड़ी रूबी सभी डिसाइपल्स और उनके मास्टर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है और अब वह क्वेंजो के पास जाते हुए बोलती है, मास्टर आखिर यह सभी लोग मुझे ट्वेंस की तरह क्यों लग रहे हैं? इस तरह इनके मास्टर दिख रहे हैं वैसे ही इनके डिसाइपल भी। क्वेंजो रूबी को बताता है कि टाइम के साथ साथ डिसाइपल्स अपने मास्टर की ही तरह बन जाते हैं, यहाँ तक कि उनका पहनावा और उनकी पर्सनैलिटी भी उनके मास्टर की ही तरह हो जाती है। और रूबी क्वेंबाई की डिसाइपल है, इसीलिए टाइम के साथ साथ वह भी क्वेंबाई की ही तरह बन जाएगी। यह सुनकर रूबी परेशान हो जाती है और अब वह सोचने लगती है कि आखिर वह क्वेंबाई की तरह बनने के बाद कैसी लगेगी। तभी क्वेनलियान भागते हुए हुआन फेंग के पास आता है और अब वह बोलता है, आखिर मास्टर क्वेनबाई ने हम सभी लोगों को यहीं पर रुकने के लिए क्यों कहा है और वह अकेले एंशियंट सिटी के अंदर क्यों चले गए हैं? क्या मास्टर मेरे भाई को वहां से सही सलामत ला पाएंगे? हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए था। हुआन फेंग बोलता है, क्वेनलियान तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्वेनबाई यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है और तो और यहाँ पर मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन मैं हूँ, पर क्वेनबाई ने मुझे भी फाइट में हराया है। अब यह सुनते ही हुआन फेंग की डिसाइपल आगे आते हुए बोलती है, मास्टर क्या मास्टर क्वेनबाई सच में आपसे भी ज्यादा पावरफुल है? तो आखिर आपने उनसे मुझे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? यह सुनते ही हुआन फेंग परेशान होते हुए बोलता है, तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं, क्वेनबाई की एज 3000 साल से ज्यादा है तो वह एक ओल्ड मैन है। यह सुनते ही उसकी डिसाइपल रूबी के पास जाते हुए बोलती है, रूबी तुम मास्टर क्वेनबाई की डिसाइपल होना, क्या तुम मुझे मास्टर क्वेनबाई से इंट्रोड्यूस करवा सकती हो? मैं भी उनकी डिसाइपल बनना चाहती हूँ, रूबी परेशान होते हुए बोलती है, पर तो तुम डीमन सेक्ट से बिलोंग करती हो। वह लड़की बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही मास्टर क्वेनबाई मुझे अपना डिसाइपल स्वीकार करेंगे मैं डीमन सेक्ट को छोड़ दूंगी। तभी मिलिट्री सेक्ट का कमांडर आगे आते हुए बोलता है, हम सभी लोगों को यहाँ पर बकवास की बातें करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सभी लोग सावधान रहो क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी ओर हमें क्वेनबाई को दिखाया जाता है जो एंशियंट सिटी के अंदर घूम रहा होता है, पर वहां पर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है क्योंकि चारों ओर काफी ज्यादा शांति होती है। और अब वह बोलने लगता है, मुझे जल्द से जल्द क्वेन रैन को यहाँ पर ढूंढकर उसे अपने साथ लेकर निकल जाना चाहिए। तभी धरती के अंदर से निकलकर कई सारे सोल्जर्स बाहर आते हैं और अब वह लगातार क्वेनबाई पर अटैक करने लगते हैं, पर क्वेनबाई उन सभी लोगों पर अटैक करते हुए उन्हें बेहोश कर देता है। पर तभी वह नोटिस करता है कि वह सभी सोल्जर्स फोर्जिन सेक्ट के सोल्जर्स होते हैं और अब वह देखता है कि वह सभी लोग पहले ही मर चुके होते हैं और इमॉर्टल लैंड के प्रिंस ने अलग अलग सोल्स को उनकी बॉडी के अंदर डाल रखा होता है, जिससे वह उन सभी की बॉडी को एक अनडेड की तरह कंट्रोल कर रहा होता है। यह देखकर क्वेनबाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह सोचने लगता है, यह सभी लोग पहले ही मारे जा चुके हैं और अब इन्हें यहाँ पर किसी भी तरीके से दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता है। यह बोलते हुए वह एक लाइटनिंग अटैक करके उन सभी लोगों को मार देता है। अब हमें क्वेन रैन को दिखाया जाता है जिसे बांध कर एक जगह पर उल्टा लटका रखा होता है। अभी वह क्वेनबाई की पावर को सेंस करते हुए बोलता है, तो क्या यहाँ पर मुझे कोई बचाने के लिए आया है? उसी वक्त इमॉर्टल लैंड का प्रिंस क्वीन रैन की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और अब वह बोलने लगता है, तो फाइनली एक पावरफुल पर्सन यहाँ पर आ चुका है और अगर मैं उसकी बॉडी को अपने एक पावरफुल सोल को दे दूं तो वह मेरा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कमांडर बन जाएगा। दूसरी ओर क्वेनबाई सभी सोल्जर्स को मारते हुए मैंसन की ओर आगे बढ़ रहा होता है और अब वह मैंसन में पहुंच जाता है। अभी वह देखता है कि क्वेन रैन को गेट पर बांधकर उल्टा लटकाया गया होता है। यह देखते ही वह क्वेन रैन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी मैंसन के अंदर से बेल की आवाज आने लगती है जिससे वहां पर क्वेनबाई को प्रॉब्लम होने लगता है, पर क्वेनबाई अपने एक थंडर अटैक से उस आवाज को वहां पर रोक देता है और अब वह बोलता है, क्वेन रैन तो क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? तभी क्वेन रैन अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, मिस्टर बाई आप यहाँ से भाग जाइए क्योंकि यह जगह सेफ नहीं। अब यह सुनते ही क्वेनबाई भागते हुए क्वेन रैन के पास जाता है और उसे वहां पर आजाद करते हुए नीचे रखकर बोलता है, क्वेन रैन कहीं तुम्हें यहाँ पर कोई चोट तो नहीं लगी? मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें हील कर देता हूँ। तभी क्वेनरैन एक काफी खतरनाक अटैक क्वेनबाई के ऊपर करता है जिसे क्वेनबाई डॉज करते हुए उससे दूर हट जाता है। तभी क्वेनरैन की बॉडी को पोजेस करते हुए प्रिंस खड़ा होते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 10,000 साल के बाद भी इस जगह पर एक इतना पावरफुल कल्टिवेटर मौजूद होगा। यह बोलते हुए वह क्वेनबाई पर कई सारे अटैक करता है, पर क्वेनबाई अपने स्लैश अटैक से प्रिंस के सभी अटैक्स को उसी की ओर घुमा देता है जिससे वह सभी अटैक्स आकर क्वेन रैन की बॉडी पर लगते हैं।
अब यह देखकर क्वेन भाई सोचने लगता है जरूर प्रिंस ने यहाँ पर क्वेन रैन की बॉडी को पोजेस कर रखा है, और अगर मैंने अभी इस वक्त प्रिंस के साथ फाइट की तो क्वेन रैन काफी ज्यादा घायल हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। तो मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ करके प्रिंस को इसकी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। वहीं पर प्रिंस हंसते हुए बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर हो, इसके बावजूद तुम कहीं ज्यादा पावरफुल हो, पर मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और यहाँ पर तुम्हें हराने के बाद अपने सेंग डायनेस्टी को रिवाइव करूंगा। यह बोलते हुए वह उस एंशिएंट सिटी को वहां से लेकर जाने लगता है। यह देखकर गुस्से में क्वेन भाई अपने हाथ में मौजूद स्वॉर्ड को फेंक कर एक बिल्डिंग पर मारता है और जंप करके उस सिटी से बाहर निकल आता है। अब क्वेन भाई को देखते ही क्वेन लियान उसके पास आते हुए बोलता है, मास्टर भाई तो क्या आपको उस जगह पर क्वेन रैन मिला, आखिर मेरा बड़ा भाई है कहाँ पर। पर तभी रूबी क्वेन लियान को पीछे हटने के लिए बोलते हुए क्वेन भाई के पास जाती है और उसे देखने लगती है। यह देखते ही क्वेन भाई बोलता है, रूबी आखिर तुम इतनी ज्यादा सीरियस होकर मुझे क्यों देख रही हो, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यह सुनते ही रूबी बोलती है, अब यहाँ पर सभी लोग मास्टर भाई से सवाल जवाब कर सकते हैं, यह मास्टर भाई ही है, इन्हें यहाँ पर किसी ने भी पोजेस नहीं किया है। तभी क्वेन भाई आगे आते हुए बोलता है, क्वेन लियान तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई क्वेन रैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और प्रिंस ने अब तक उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया है, तो हम उसे बचाने का रास्ता जल्द ही ढूंढ लेंगे, मैं आज ही क्वेन रैन को अपने साथ वापस लेकर आता, पर प्रिंस के पास काफी अजीब पावर है और तो और वह अपने सिटी को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, उसकी यह पावर मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट कर रही है और आज इसी वजह से प्रिंस मेरे हाथों से बचकर निकल गया। यह सुनकर क्वेन लियान वहां पर उदास हो जाता है। तभी हुआन फेंग उसके पास आते हुए बोलता है, लियान तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्वेन भाई अगली बार तुम्हारे भाई को जरूर बचाएगा। तभी क्वेन भाई क्वेन लियान से बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जब पिछली बार क्वेन रैन ने एंशिएंट सिटी के ऊपर अटैक किया था तब तुम्हारे फोर्जन सेक्ट का कोई पर्सन इस सेक्ट से बचकर बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। क्वेन लियान बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, एल्डर लियू अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो गए थे, पर अब उनकी हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब है और वह अनकॉन्शियस पड़े हुए अपनी जगह पर आराम कर रहे हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि इमॉर्टल लैंड का प्रिंस क्वेन रैन को टॉर्चर कर रहा होता है। वहीं पर क्वेन रैन बोल रहा होता है कि आखिर तुम मुझे जान से क्यों नहीं मार देते। तभी प्रिंस हंसते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें जितना दर्द दूंगा तुम्हारे भाई को उतना ही ज्यादा गुस्सा आएगा और वह उतने ही ज्यादा पावरफुल लोगों को अपने साथ लेकर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आएगा। मैंने जितना सोचा था इस टाइम पर उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स इस दुनिया में मौजूद है, तो बस तुम देखते जाओ, मैं धीरे धीरे तुम सभी लोगों को अपना पपेट बनाऊंगा और फिर तुम ही सभी लोगों की मदद से इस पूरी दुनिया पर कंट्रोल करूंगा। अभी क्वेन रैन बोलता है, तुम्हारा यह सपना कभी भी पूरा नहीं होगा जब तक मास्टर क्वेन भाई यहाँ पर जिंदा है, वह तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करने देंगे। यह सुनते ही प्रिंस अपनी जगह पर जाकर बैठते हुए बोलता है, क्वेन भाई से तुम्हारा मतलब वह क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर मौजूद कल्टिवेटर, आखिर वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है, अभी वह बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर मौजूद है, पर उसकी बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा, जिसके बाद इस दुनिया पर कब्जा करने का मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी उसके बगल में बैठा विजडम इमॉर्टल बोलता है, तुम उसके बारे में भूल जाओ, तुम क्वेन भाई को कभी नहीं हरा पाओगे। यह सुनते ही प्रिंस गुस्सा होते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो और बस तुम देखते जाओ कि मैं आखिर क्वेन भाई को कैसे हराता हूँ। यह बोलते हुए वह दोबारा से क्वेन रैन को टॉर्चर करने लगता है। दूसरी ओर हमें क्वेन लियान को दिखाया जाता है जो उन सभी पेन को फील कर पा रहा होता है, पर वह वहां पर बिना रुके उस जगह पर कुछ बना रहा होता है। साथ ही साथ वह बोल रहा होता है कि क्वेन रैन तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही बचाने के लिए आऊंगा। अब हमें एल्डर ल्यू को दिखाया जाता है जो एक जगह से झांक कर अपने कमरे से बाहर देख रहा होता है। तभी वह अपने कमरे की ओर क्वेन लियान को आते हुए देखता है, जो देखते ही वह दोबारा से अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। अब क्वेन लियान उसके पास जाता है, जिसे देखते ही वह उठकर वहां पर बैठने लगता है। तभी क्वेन लियान बोलता है, तुम्हें यहां पर आराम करना चाहिए और मुझे बताओ आखिर तुम्हारी तबीयत अब यहां पर कैसी है, क्या यहाँ पर तुम्हारे सर्वेंट्स तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वहीं पर क्वेन लियान के बात करने का तरीका काफी ज्यादा बदल चुका होता है, जो देखकर एल्डर ल्यू को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और अब वह बोलता है, मास्टर आपको मेरे बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कुछ दिनों आराम करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। क्वेन लियान बोलता है, तुम हमारे सेक्ट के एल्डर हो, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दो नए सर्वेंट लेकर आया हूँ।
यह दोनों लेडी यहाँ पर तुम्हारा काफी ज्यादा ख्याल रखेगी यह देखते ही। एल्डर ल्यू वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी रूबी और वह लड़की एल्डर ल्यू को वहाँ पर पकड़ते हुए उसे एक मेडिसिन खिला देती है। तभी रूबी उस लड़की से बोलती है आखिर यह किस तरह का मेडिसिन था। अब वह लड़की रूबी को बताती है कि इस मेडिसिन के खाने के बाद अब यह यहाँ पर हमसे झूठ नहीं बोल पाएगा, तो तुम इससे जो चाहे वह पूछ सकती हो। यह सुनते ही रूबी क्विन लियान की ओर देखते हुए बोलती है मास्टर तो हम अपना काम यहाँ पर अब स्टार्ट कर सकते हैं। यह सुनते ही क्विन लियान क्विन बाई में बदल जाता है और अब वह बोलता है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर कोई भी नहीं पहचान सकता है, तो अब इससे सवाल जवाब करना स्टार्ट करो। तभी वह लड़की आगे बढ़ते हुए एल्डर ल्यू से पूछती है आखिर तुम कौन हो। तभी एल्डर ल्यू बोलता है मैं सेंग डायनेस्टी का एक एल्डर हूँ। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है तो एंशियंट सिटी की आवाज को सुनकर जो भी लोग उसके अंदर गए हैं क्या उन लोगों को किसी तरीके से बचाया जा सकता है। तभी एल्डर ल्यू बोलता है नहीं, वह सभी लोग मारे जा चुके हैं और उन सभी की बॉडी का यूज करते हुए हमारे प्रिंस अनडेड की एक आर्मी बनाएंगे। अब यह सुनते ही गुस्से में क्विन भाई एल्डर ल्यू को पकड़ते हुए उससे सभी सवालों के जवाब लेने लगता है। दूसरी ओर हमें प्रिंस और विजडम इमॉर्टल को दिखाया जाता है। वहीं पर विजडम इमॉर्टल बोल रहा होता है प्रिंस तुम्हें यह सब कुछ करके कुछ भी नहीं मिलेगा, आज से कई सालों पहले ही एम्परर क्वेन पहले ही मारे जा चुके हैं, तो यह सब कुछ करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यह सुनते ही प्रिंस विजडम इमॉर्टल को गुस्से में पकड़ते हुए उठाता है और बोलता है अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो एम्परर क्वेन से पहले मैं तुम्हें मारूंगा। विजडम इमॉर्टल बोलता है बेवकूफ क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि एम्परर क्वेन काफी सालों पहले मर चुके हैं और तो और यहाँ पर हम दोनों भी मर चुके हैं, हम दोनों बस भटकती हुई सोल्स हैं। तभी प्रिंस बोलता है बेवकूफ शायद से तुम्हें नहीं पता कि प्रोडिजी के हिसाब से ड्रैगन ब्लडलाइन का यूज करते हुए हमें यहाँ पर अवेक किया गया है। मैं आराम से सो रहा था पर मुझे यहाँ पर जगाया गया, इससे यही साबित होता है कि अब टाइम आ गया है हमारे सेंग डायनेस्टी के पूरे दुनिया पर राज करने का। इसीलिए मैंने यहाँ पर लाखों स्केलेटन सोल्जर्स की आर्मी बनाई है और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि क्वेन भाई एल्डर ल्यू से सवाल जवाब कर रहा होता है और अब एल्डर ल्यू इमॉर्टल लैंड के बारे में क्वेन भाई को सब कुछ बता देता है और बोलता है कि प्रिंस इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करके इस पर कब्जा करना चाहते हैं और विजडम इमॉर्टल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है पर वह कुछ भी नहीं कर सकता है। और विजडम इमॉर्टल सबसे ज्यादा समझदार है और उसे इस दुनिया में मौजूद सभी चीजों की नॉलेज है। यह सुनते ही क्वेन भाई खुश होते हुए बोलता है तो क्या इस विजडम इमॉर्टल को यह भी पता होगा कि आखिर मैं ब्रेक थ्रू करके फाउंडेशन रैलम पर कैसे पहुंच सकता हूँ। यह सुनते ही एल्डर ल्यू को वहां पर चक्कर आने लगते हैं और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। यह देखते ही क्वेन भाई बोलने लगता है तो क्या फाउंडेशन रैलम पर पहुंचना मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल का काम है, जो यह एंशियंट सोल भी इसका जवाब नहीं दे पाया। तभी बगल से वह लड़की बोलती है मास्टर आप QI रिफाइनिंग रैलम पर ही औसम हो तो आपको फाउंडेशन रैलम पर पहुंचने की कोई जरूरत नहीं। तभी क्वेन भाई बोलता है तो शायद से अब टाइम आ गया है इस एंशियंट सोल के मुक्ति पाने का और अब वह चिल्लाते हुए सुलिंग को वहां पर बुलाने लगता है। तभी अचानक से सुलिंग वहां पर आ जाता है जिसे देखते ही रूबी काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह सुलिंग पर चिल्लाते हुए बोलने लगती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा आलसी हो, तुमने एंशियंट सिटी के अंदर मौजूद इतने सारे सोल्स को ऐसे ही छोड़ दिया जिस वजह से वह आज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तभी सुलिंग क्वेन बाई की ओर देखते हुए बोलता है तो क्या यह तुम्हारी डिसाइपल है। क्वेन बाई हाँ में सर हिलाता है। सुलिंग बोलता है तो इसका मुंह बंद करो वरना अभी मैं तुम्हारे सोल को पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर क्वेन बाई डर जाता है और वहां पर रूबी को समझाने लगता है। दूसरी ओर सुलिंग आगे बढ़ते हुए एल्डर ल्यू के पास जाता है और उसकी बॉडी के अंदर मौजूद उस एंशियंट सोल को बाहर निकालते हुए अपने पास मौजूद एक पोटली के अंदर कैद कर लेता है और अब वह क्वेन बाई के सामने आते हुए उसे एक स्क्रोल देते हुए बोलता है जिस स्क्रोल के अंदर एक फॉर्मेशन टेक्निक लिखी हुई है जिसका यूज करते हुए तुम प्रिंस को एंशियंट सिटी को टेलीपोर्ट करने से रोक सकते हो, तो एक जगह पर उस एंशियंट सिटी को रोक कर रखो फिर मैं वहां पर आकर एंशियंट सिटी के अंदर मौजूद सभी सोल्स को पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा, पर अगर तुम उस एंशियंट सिटी को टेलीपोर्ट होने से नहीं रोक पाए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। अब सुलिंग के वहां से जाते ही क्वेन भाई सभी सेक्ट के लोगों को एक जगह पर बुलाने के लिए बोलता है। अब क्वेन भाई के प्लान के हिसाब से सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और अब क्वेन भाई उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है। तभी मेटा अकेडमी का प्रिंसिपल आगे आते हुए बोलता है मास्टर भाई मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से डार्क प्रिंस ने यहाँ पर अब तक 500,000 लोगों को मारकर उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लिया है, तो आपको क्या लग रहा है हम इतनी बड़ी आर्मी से जीत पाएंगे। तभी मिलिट्री सेक्ट का कमांडर बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरा सेक्ट अकेले उन सभी लोगों को संभाल लेगा।
अब कुवेन भाई उन दोनों को वहां पर शांत करते हुए बोलता है, मैंने भी अच्छे से रिसर्च किया है और मुझे पता चला है कि डार्क प्रिंस की आर्मी में ज्यादातर नॉर्मल लोग शामिल है जिन्हें हम काफी आसानी से हरा सकते हैं, बस हमें यहाँ पर 10,000 से 20,000 QI रिफाइनिंग रैलम और फाउंडेशन रैलम के लोगों से फाइट करना होगा। और क्वेंद्रैन की बॉडी को अभी डार्क प्रिंस ने पोजेस कर रखा है जिसकी कल्टीवेशन अभी इमॉर्टल रैलम की है। तो अगर तुम सभी लोग मेरे प्लान के हिसाब से काम करो तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हुआन फेंग बोलता है, क्वेन भाई तब क्या होगा जब तुम डार्क प्रिंस को नहीं हरा पाओगे? क्वेन भाई बोलता है, अगर मैं डार्क प्रिंस को नहीं हरा पाया तो तुम में से कोई भी उसे नहीं हरा पाएगा। यह सुनकर सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है और अब सभी लोग वहां पर चुपचाप क्वेन भाई के प्लान के हिसाब से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सिंगसु बोलती है, क्वेन भाई तुम्हारे प्लान में यहाँ पर एक फॉल्ट है। जैसा कि तुमने कहा कि डार्क प्रिंस ने क्वेंद्रैन की बॉडी को पोजेस कर रखा है तो इस फाइट में हम क्वेंद्रैन की भी जान नहीं बचा पाएंगे। यह सुनकर क्वेन भाई वहां पर परेशान हो जाता है और अब वह चारों ओर देखते हुए बोलता है, आखिर क्वेन लियान कहाँ पर है? क्या उसे मेरा इनविटेशन भेजा नहीं गया? वान फेंग उदास होते हुए बोलता है, क्वेन लियान की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है और वह क्वेंद्रैन के लिए काफी ज्यादा परेशान है। तभी अचानक से उनके हॉल के बाहर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब एक पर्सन वहां पर आता है जिसे देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्वेन लियान होता है जिसने वहां पर अपने लिए एक स्पेशल आर्मर बनाया होता है। और अब वह बोलता है, मास्टर क्वेन भाई मैंने यहाँ पर क्वेंद्रैन को बचाने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।